विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील सचदेवा जी, जो कि फरीदाबाद शहर के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और उन्होंने अनेक लोगों को जो समस्याओं से पीड़ित थे, चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, उन्होंने निजात दिलाने का काम किया है अपने फेस रीडिंग के। तो आइए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताएं, एस्ट्रोलॉजर है क्या? सर, एस्ट्रोलॉजर खुदा नहीं है, आपकी और हमारी तरह एक आम इंसान है। उसकी रुचि उसे उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाती है जिस विद्या को ग्रहण करने के बाद वो इस काबिल होता है कि आपको आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में रोशन कर सके कि आपके साथ ये परेशानी आने वाली है। हमारा जिस्म, हमारा शरीर, हमारी भाव भंगिमाएं एक मूक भाषा का प्रयोग करती है, उसे समझना हर किसी के पास की बात नहीं, लेकिन जिसे जानकारी है वो समझेगा कि आप इस परेशानी से ग्रसित हो। आपके स्टार्स ये बोलते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये बोलती है, आपकी कुंडली ये बोलती है, आपकी हस्तरेखा ये बोलती है, अलग अलग शाखाएं हैं, उस शाखाओं का जो प्रसिद्ध आदमी होगा वो उस नंबर्स को पकड़ेगा और आपको आराम देगा। तो ये आप सर पिछले 10 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लगभग कितने लोगों को समस्याओं से निजात दिला चुके हैं? अप्रॉक्सीमेट पिछले 10 वर्षों में अगर ऑन एन एवरेज लगाया जाए तो मैं 1 महीने में 4 दिन काम करता हूँ और ऑन एन एवरेज 5 से 4 लोग मेरे से मिलते हैं, 20-1 आदमियों की अप्रॉक्सीमेट मिल लेता हूँ मैं, मेरे पास आगे मिलते हैं सेक्टर 14 में। तो सर, आप दर्शकों को ये बताएं कि इससे पहले किसी आपने किसी बड़े व्यक्ति का जिसका एक्सपोजर किया हो उसको बताया हो कि आपको ये समस्या है, इससे आपको ये फायदा हो सकता है? डेफिनेटली सर विनोद जी, नेचर का काम है ऑटोमेटिकली ग्रो करना। हमने आज जो बीज बोया है वो कल को अंकुरित होगा, पेड़ और पौधा बनेगा, फल या फूल आएंगे, कल को उस पर फल आएगा। 10 साल पहले अगर मैं जिससे मिला हूँ वो सामान्य आदमी रहे होंगे, नेचुरल ग्रोथ के साथ वो 10 साल बाद आज कमाने लगे होंगे, यूनिवर्सिटी से कॉलेज से बाहर निकले होंगे, किसी न किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे होंगे। ऐसे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी थे, उनसे मैं मिला था, एक दो लाइमलाइट में लोग हो रहे हैं उनसे मिला था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई स्कूल, तो चलता रहेगा वो। तो अब इसमें हम अपने नाम पे मेडल नहीं लगा सकते ना कि हमने देखा था इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर और अंधविश्वास, कहीं ना कहीं क्या एक दूसरे की कड़ी नहीं है? हाँ, देखो, सुख के साथ दुख, लंबे के साथ छोटा, मोटे के साथ पतला, धूप और छांव, अमीर और गरीब, ये कड़ी हेड और टेल ये जुड़े रहेंगे ऑलवेज। विश्वास के साथ अंधविश्वास एक दो दोस्त है, पार्टनर है, उसके बगैर नहीं रह सकते। अच्छाई के साथ बुराई का रहना तय है। अगर मैं प्रभु को मानता हूँ और आप भी प्रभु को मानते हो लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते, आपको लॉजिक चाहिए। मैं बिना तर्क के मानता हूँ, मेरे पिता हैं, ये मेरा अंधविश्वास है। मेरे पिता ये सच मेरी माँ को पता है। तो अंधविश्वास ने वो प्लेटफॉर्म बनाया है, ये मेरे पिता है। हमें सबसे पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा। अंधविश्वास बचपन से लेकर आज तक युगो युगांतर से ये कहा जाता रहा है, मान लो मूलधन 100, पूरी दुनिया मानती है उसे, तब जाके डिप्टी कलेक्टर बनता है या इंस्पेक्टर बनता है या सचिव बनता है। मान लो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, हम उसी रूटीन पे चल रहे हैं, हमें पहले वो पढ़ा, तर्क नहीं लगाया कि ए फॉर एप्पल क्यों, तो हम उस रूटीन पे चलेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे, कामयाबियां बुलंदियां हमें नमस्कार करेंगे। सर ठीक है, आप तो कह रहे हैं मान लिया, तो एस्ट्रोलॉजर काम कैसे करता है? अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एस्ट्रोलॉजी लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, गोचर है, प्लैनेटरी पोजीशन है, सबके देखने का तरीका अलग होता है। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लो, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? आप कंप्लीट बताओ। 15 फेब 1983। अब 15 में आपका योग 1 और 5 का है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का 1 और 5 का टोटल होता है 6। जब 6 डेट ऑफ बर्थ में किसी के आ जाता है तो उसकी लग्जरियस लाइफ की गारंटी देता है, सफाई पसंद की गारंटी देता है,
उसको ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है जिससे सुखपुर सुविधाएं उसके साथ रहे, वो चाहे पुश्तैनी रहे, चाहे माँ बाप की तरफ से रहे, चाहे पर्सनल एफर्ट से रहे, चाहे जैसे मर्जी रहे, मैरिड लाइफ का सुख देता है। तो ये हम लेके पैदा हुए, एक और पांच, एक सूर्य का नंबर है, पांच बुध का नंबर है, सूर्य और बुध दोनों मित्र हैं। सूर्य और बुध जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो बुद्धि आदित्य योग होता है हमारे ज्योतिष के अंदर। तो आपकी बुद्धि दुनिया से दूसरों से अच्छा काम करेगी, आपकी तर्क शक्ति, आपकी बात करने का अंदाज, आपका वेब से रिलेटेड कोई भी काम, न्यूज चैनल से रिलेटेड कोई काम, उसका सोर्स ऑफ इनकम या प्लेटफॉर्म, तो ये आपके अंकों ने आपको दिया है। उसके बाद फरवरी, दो नंबर चंद्रमा का नंबर है, चंद्रमा 15 दिन में ग्रो करता है, 15 दिन में खत्म होता है, तो ये इमोशनल नंबर है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी जजमेंट करना हाँ और ना, और फिर कंफ्यूज होना, और फिर कभी एनर्जी लेवल टॉप पे होना, कभी एनर्जी लेवल एकदम नीचे होना, ये चंद्रमा का साथ आपको मिला है। फिर उसके बाद 1983 10, 8, 18, 21 का टोटल हुआ तीन गुरु का नंबर है, तो 3, 2, 5 और 6, 11 टोटल नंबर अगर हम माने तो 11 का फिर 2 आता है। आपका लाइफ का ड्राइवर 6 नंबर है जो आपको लग्जरियस लाइफ देगा, आपकी लाइफ की गाड़ी का कंडक्टर 2 नंबर है जो आपको चंद्रमा की तरह इमोशंस देगा, इमोशनल रखेगा, भावुक रखेगा, आपका एनर्जी लेवल महीने में 15 दिन ऊपर रखेगा, 15 दिन नीचे रखेगा, आपके मन को पीड़ित रखेगा, सेटिस्फेक्शन आपको लाने नहीं देगा। तो ये आपकी ज़िंदगी का अंक बोलते हैं। अब इसी को अगर हम होरोस्कोप आपकी कुंडली देख के बताएंगे तो प्लैनेटरी पोजिशन देखनी पड़ेगी। प्लैनेटरी पोजिशन में आज आपके साथ बताएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो ये देखना पड़ेगा आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा क्या कह रही है, और उसमें आज आसमान पे सितारों की पोजिशन क्या है। तो सुनील जी बात करें, ठीक है आपने बताया, मैंने मान लिया, कहाँ तक मैं विश्वास करूँ कि ये सही है? सही है। आज देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को गलत बताया जाता, गलत तरीके पर बताया कि रास्ता गलत बता दिया, आप ये करो तो ऐसा होगा। जैसे कि आपने सुना कि गोलों पे खाओ तो आपको ये समझा, कहीं ना कहीं आज की गरिमा भी कल खत्म होती जा रही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर सीधी सीधी पढ़ाई है। हाँ डेफिनेटली, आप क्यों नहीं पढ़ लेते? और पढ़ने के बाद 40 आदमी ज्योतिष पढ़ने के बाद 2 स्टूडेंट उसमें से कामयाब होते हैं, 2 आदमी कामयाब ज्योतिषी का प्लेटफॉर्म बना पाते हैं, 38 तो समझ ही नहीं पाते। तो ये तो रुचि है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप टलते चले जाओगे, उतना आपका निखार आता जाएगा, उतना आप बातों से, आप सामने बैठे हुए आदमी से बिना पूछे बता सकते हो आप तो इस समस्या से पीड़ित हो। मंगल, राहु और शनि अगर आपकी लगन कुंडली में तीनों मिल के एक ही घर को देख रहे हैं, आपको समस्या से पीड़ित हो। तो ये टिप्स हैं, ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी में अलग करते हैं, यहाँ के ज्योतिष में अलग करते हैं, उसमें फार्मेस्ट्री में अलग करते हैं, और ज्योतिष विज्ञान में अलग करते हैं, लाल किताब में अलग करते हैं, सबकी अपनी अपनी थेरेपी। हम तो ये हम चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसे 2-4 आदमियों को सामने बिठा के उनसे समस्याएं पूछे और उनकी समस्याओं का हल करें। हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में उनकी परेशानी स्वाभाविक रूप से खत्म होती है, तो ऑटोमेटिकली हमें मानेंगे। तो सुनील जी आज हमारे स्टूडियो में आए हैं विजय सिंह बदौरिया जी, आपके बारे में सुना है उन्होंने कि आप कितना सच बताते हैं जी, कैसे समस्या का निवारण करते हैं, तो कृपया आप इन्हें बताएं कि किस तरीके से क्या समस्या आएगी और उनका निवारण क्या है। बदौरिया जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज। 1 सितंबर 1974। भदौरिया जी आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो अंक आप अपनी तकदीर या भाग्य में लेके साथ आए हो, तो उन अंकों से आपको ये सपोर्ट मिलती है, एक तो जिंदगी भर आपको धन की कमी नहीं रहने वाली। नंबर 2, आपके अंदर आपके अंक जो बोलते हैं वो 2 9 नंबर लेके पैदा हुए हैं, 2 1 नंबर लेके पैदा हुए हैं, 1 नंबर है सूर्य का, तो सूर्य की एनर्जी 2 दफ़ा है आपके पास, और 9 नंबर है 2 दफ़ा, तो 9 नंबर की एनर्जी भी 2 दफ़ा है आपके पास।
तो दो बार सूर्य, दो बार मंगल आपके प्रभाव को आग की तरह ज्वालामुखी बनाते हैं, जिससे आपके अंदर गुस्सा प्रचंड मात्रा में रहेगा। उसी तरह आपका तेज भी बना रहेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल का तेज पूरे जगत को पालन करता है। तो सूर्य और मंगल का तेज भी बना रहेगा और उसी प्रकार आपके बीच में गुस्सा भी रहेगा। और इसके साथ आप 7 और 4 नंबर पैदा लेके पैदा होगा। 7 नंबर ये शो करता है कि आपके पास नर संतान भी होगी, वो लेटर बॉर्न हुई होगी। और इसके अलावा आपके पास 4 नंबर ये इंडिकेट करता है कि आपके पास दुनिया के हर किस्म की समस्या का जुगाड़ है। आप किसी भी समस्या को फेस करने की ताकत रखते हो और उसकी समस्या के समाधान तक पहुंचते हो। किसी भी ताले की कुंजी है आपके पास। ये आप गॉड गिफ्टेड परमात्मा से लेके जाओ। ये जो 7 नंबर में बताया स्वामी जी, जी नर संतान का मतलब ये समझा, नर संतान क्या है? संतान लड़का और लड़की, लड़की को नर संतान ने कहा जाता। 7 नंबर का मतलब ये है कि लेटर ऑन केतु का हमें सपोर्ट है तो नर संतान का सुख हमें मिलेगा। अब स्वामी जी एक चीज का और बताया मुझे कि हमने अपनी कंपनी को खोले हुए 6-5 साल हो चुके हैं। हाँ। और उस हिसाब से ग्रोथ नहीं की जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं। काम आता है, चला जाता है, रुकता नहीं है। और आगे कोई सर्वाइव ही सर्वाइव कर रहे हैं, अभी तक सेटिस्फेक्शन वाला काम नहीं मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया। जरूर जी, हम रोशनी डालते हैं। आपको इस साल अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने की संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि इस साल का टोटल आपका डेट ऑफ बर्थ अगर एक मान के चले सितंबर का महीना और 2019 है, तो इनका सबका टोटल आता है 13 नंबर। 13 का अगर हम योग करेंगे तो नंबर 4 आएगा। 4 नंबर राहु का नंबर है, राहु छाया ग्रह है, आपको तरक्की देगा अकस्मात और आपको दुर्घटना से नीचे गिरा देगा अकस्मात। तो राहु का फल जो होता है उसे कोई असेस नहीं कर पाता, जो भी जिंदगी में होता है अचानक होता है। इस साल आपके साथ जो भी होगा अचानक ही होगा। इसके अलावा हम ये देखें तो आपके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के ऊपर सबसे पहली बात तो आपको 2-5-8 अर्थ अर्थ की एनर्जी की कमी है। आप दुनिया में कहीं भी रहते होंगे, आपकी होरोस्कोप ये कहती है कि आप जमीन के लेवल से ऊपर रहते होंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जमीन पे नहीं रहते होंगे, ठीक है? क्योंकि सही है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। दूसरा आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे आपके मंदिर या किचन वो प्लेसमेंट नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बता सकते हो अपने प्लॉट के बारे में, मकान के बारे में? हाँ, नॉर्थ ईस्ट का बता सकते हैं। सेम इसी तरीके से जिस साइड हम बैठे हैं जी, इसके अपोजिट साइड फ्रंट है। ओके, इसका मतलब बैक साइड इधर है। हाँ, बैक साइड में किचन नहीं है। हाँ, और जो घर का मंदिर है वो हमने थर्ड फ्लोर, मतलब सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ। हाँ। सेकंड फ्लोर पे बैक साइड में एक दीवारी है, उसमें मंदिर बना रखा है ईस्ट में। हाँ, तो लेकिन उसका फेस इस साइड है। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे साइड ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। हाँ, और जो रसोई है वो फर्स्ट फ्लोर पे घर से बाहर है, उसका दरवाजा इस साइड साउथ की, यही आप इंडिकेट कर रही हैं। सर, इस साल व्यापार के बारे में जो आपने पूछा, वो भदौरिया जी आपके ऑप्शन डाउन चलते रहेंगे। आपको संभावनाएं होगी कि आज जाके वो ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा या बुकिंग हो जाएगी, लेकिन उसमें आपको आशाएं नहीं मिलेंगी। शाम को आप बेफिक्र होगे, कहोगे यार आज का काम तो नहीं, कल देखेंगे, और शाम को कोई फ़ोन आ जाएगा सर आप इधर आ जाओ, आपकी ये कनेक्टिविटी होगी। तो इस तरह करेंगे ये साल पूरा जी। तो सदेव जी, जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दीपक शर्मा।
उनकी कोई समस्या है आप उनकी समस्या निवारण करें। तो दीपक जी आप बताएं, सुनील जी बैठे हैं फोन लाइन पर, क्या समस्या पूछिए आप? आप शर्मा जी बोलिए। तो शर्मा जी, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है पहले तो 4/11/1992। 4 नवंबर 1992। हाँ ठीक है। सवाल क्या है आपका? सवाल है तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। बहुत सारी प्रॉब्लम से मतलब किस टाइप? मतलब जैसे बच्चे को लेके। शर्मा जी, जिंदगी आपकी संघर्षों की कहानी है, बंच ऑफ स्ट्रगल्स। आपकी पढ़ाई में ब्रेक आया था? आया था। आप अमूमन शांति और सुकून से कम भड़क के ज्यादा बात करते हो, आपका रिएक्शन फास्ट होता है। यस जी। गुस्से पे आपका कंट्रोल नहीं है? नहीं है जी। बच्चे की प्रॉब्लम आपने बताई, बच्चे की प्रॉब्लम तो सर है, लड़के की भी प्रॉब्लम है, लड़की की भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ और दिखानी पड़ेगी। और ये न्यूमरोलॉजिकल मेथड से आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें आपकी और आपकी पत्नी की होरोस्कोप देख के उसकी दशा महादशा अंतर दशा देखनी पड़ेगी। तो बाकी स्ट्रगल है, हाँ पैसे की कमी आपकी रहेगी नहीं, ज़रूरतें आपकी सारी पूरी होंगी, वो 1 रुपए की वो 1 लाख की है, लेकिन संघर्ष आपकी ज़िंदगी में रहेगा, अप्स एंड डाउन आपके आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसके अलावा कुछ और पूछना हो बताओ? नहीं, जमीन से तो नहीं, हम तो धरती पे ही रहते हैं। नीचे बेसमेंट है या कुछ कुछ? ना 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 ना, लो भी है, कट कर दिया। तो धन्यवाद सचदेवा जी आपका, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि किस तरीके से समस्याओं का निवारण किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। तो दोस्तों आप देखें जाने एस्ट्रोलॉजी है क्या और उस पर विश्वास भी करें, कहीं ना कहीं विश्वास में दुनिया कायम है। तो आप जानिए प्रॉपर तरीके से और जब पहचानिए। धन्यवाद जी। मैं सुनील सचदेवा, लाल किताब विशेषज्ञ, आप अपनी हर समस्या का समाधान News 21 चैनल के ऊपर हर सोमवार को इसी समय पा सकते हैं। तो आप अपनी परेशानियों को इकट्ठा करना शुरू कीजिए, हम आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हाजिर हैं कमिंग मंडे।